देख रहे हैं टीवी 24 समाचार। जनपद फिरोजाबाद में आज रोटरी नेत्र व यूनिटी हॉस्पिटल द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें जिन लोगों के जले कटे होंठ जैसी समस्या है उनके उपचार के लिए यूएसए से 25 डॉक्टर की टीम बुलाई गई, जो कि कैंप में पहुंचे सभी मरीजों का बेहतर उपचार करेगी। जिनमें 250 मरीज से ज्यादा लोगों ने अपने उपचार के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं कैंप में मौजूद जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि फिरोजाबाद शहर में जले कटे होंठ के उपचार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, जिसको ध्यान में रखते हुए आज रोटाप्लास्ट की टीम द्वारा वो यूनिटी हॉस्पिटल और रोटरी नेत्र के सहयोग से आज इस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों ने पहुंचकर इस कैंप का लाभ उठाया। साथ ही बताया गया कि यह कैंप आज से प्रारंभ होकर लगातार 10 दिन तक चलेगा। जिन लोगों को जले व कटे होंठ जैसी समस्या हो तो वह इस कैंप में पहुंचकर इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। टीवी 24 समाचार के लिए फिरोजाबाद से नरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। आज फिरोजाबाद के यूनिटी हॉस्पिटल में जितने भी हमारे बर्न केसेस, क्लैफ्ट और कटे हुए होंठ इस तरह के केसेस रहते हैं, उनका उपचार के लिए रोटाप्लास्ट की पूरी टीम, यूनिटी हॉस्पिटल की टीम और रोटरी क्लब के माध्यम से एक मेडिकल कैंप का आयोजन यहां पर किया गया है। रोटाप्लास्ट की जो टीम है वो लगभग 25 मेंबर्स हैं और सभी यूएसए से आए हैं। बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट हैं इन सब चीज़ों का इलाज करने के लिए। और निश्चित रूप से जो एक मेडिकल कैंप यहाँ पर लगा है उसमें फिरोजाबाद के इस तरह के जो मरीज यहाँ पर मैंने सभी देखे हैं उन सबका एक बहुत अच्छा इलाज यहाँ पर हो सकेगा। जिन जले हुए केसेस और कटे हुए होंठ इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड केस रहते हैं जिनको कहीं और अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है, उनका बहुत बेहतरीन और एक वर्ल्ड लेवल इलाज यहाँ पर उनका हो सकेगा। और ये कृपया अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं।